नमस्कार दोस्तों, चित चर्चा शो में आपका स्वागत है। आज आप और हम लोग जिस बात के लिए जुड़े हैं वो है पर्यावरण। इस पर्यावरण दिवस हमने देखा पीपल बाबा को, जिन्होंने अपने जीवन के 46 वर्ष पीपल और बरगद जैसे पेड़ों के संरक्षण, उनके निर्माण को दिए। ये पीपल बाबा हैं गोपाल कृष्ण शर्मा, जो खेतड़ी से बिलोंग करते हैं और अब पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के जितने प्रबुद्ध जन हैं, पूरे भारत का मीडिया इन्हें पीपल बाबा के नाम से संबोधित कर रहा है। गोपाल जी पीपल और बरगद के पेड़ के बीज घर पर तैयार करते हैं, तो बहुत ही सराहनीय इनका प्रयास है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के पर्यावरण प्रेमी हमें सदियों तक मिलते रहने चाहिए। और अभी इस विश्व पर्यावरण दिवस पर उन्होंने छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिस कार्यक्रम में खेतड़ी पंचायत समिति के प्रधान मनीषा गुज्जर, एडिशनल SP झुंझुनू वीरेंद्र कुमार जी मीणा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं उनका संबोधन आप सब के लिए रखना चाहूँगा, जिससे आप सभी प्रेरित हों पर्यावरण के लिए। आज खेतड़ी में बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे खेतड़ी के सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी आदरणीय गोपाल कृष्ण जी शर्मा साहब, जिनको पीपल बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, जो पीपल और बरगद के पेड़ हमेशा अपनी मेहनत से बीटों के माध्यम से तैयार करते हैं, देसी बीट के माध्यम से, और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो पेड़ जीवित रहते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर भी उन्होंने 358 पेड़ वितरित किए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं उनको पूरी खेतड़ी की जनता की तरफ से भी धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरीके से उन्होंने जो जागरूकता का अभियान इस क्षेत्र में चलाया हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। और उनके इस मुहिम को हम चाहते हैं कि समस्त लोग पूरी खेतड़ी में फैलाएँ और उनका सहयोग करें, ताकि हमारा पर्यावरण बेहद ही शुद्ध और बढ़िया बने। ऐसा है, पिछले 45 वर्षों से, अब की बार 46 बार मैंने ये बरगद और पीपल के पेड़ तैयार करके निःशुल्क दिए हैं, क्योंकि आज पर्यावरण का जो है संतुलन हो रहा है वो इसका महत्वपूर्ण कारण है कि अंधाधुंध वनों की कटाई है और पर्यावरण के लिए पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और मैं तो इसी को लेकर के कि पर्यावरण किसी तरह बचा रहे, मेरा यही दया है। और मैं तो सभी से ये आह्वान करूँगा कि अपनी लाइफ में एक पेड़ लगाएं, चाहे लेकिन लगाकर उसकी परवरिश अवश्य करें। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस है, जिस पे हमारे वयोवृद्ध पत्रकार श्री गोपाल जी शर्मा ने हर वर्ष की भांति वृक्षारोपण वितरण का कार्यक्रम रखा है। आज आप पूरे इस इलाके में हरियाली देख रहे होंगे, उसमें काफ़ी कुछ सहयोग हमारे गोपाल जी का भी है। इन्होंने हर साल हजारों की तादाद में पेड़ क्षेत्रवासियों को बांटते हैं, लगवाते हैं और ये बीज भी खुद तैयार करते हैं। वो हमेशा हमेशा ये उनका ध्येय ये रहता है कि खेतड़ी को हरा भरा करना है, पर्यावरण को बचाना है, लोगों को बचाना है, स्वास्थ्य अच्छा। थैंक यू।